हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आनिया फिरदौस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने से पहले, सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। को मेरा स्टडी स्टाइल पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सो चलते हैं, पढ़ें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन प्लस फ्रैक्शन माइनस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई डिवीजन रूट एक्सट्रैक्शन ये का साइन है एंड रेजिंग टू पावर इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सिंपली एक्सप्रेशन। सो यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें हम बात करें वेरिएबल्स की, कांस्टेंट की, वेरिएबल कांस्टेंट कोफिशिएंट सब मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के बताऊँगी, और ऑपरेशन ऑफ मतलब ऑपरेशन साइंस ऑपरेशंस मींस किसी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रूट के रूट भी होते हैं, रूट की भी बात करते हैं हम एक्सप्रेशन में। तो कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बात करते हैं। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो मतलब फॉर एग्जांपल एक्स माइनस फाइव एक्स वाई जेड, सो कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट हमारे पास, और उसमें अंदर हम माइनस प्लस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्सप्रेशन में हम जो है इक्वल्स का साइन इस्तेमाल नहीं करते। सो हम इक्वल का साइन इस्तेमाल नहीं करते, वो इक्वेशन में इस्तेमाल करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप ये हमेशा याद रखिएगा कि हम इक्वल का साइन यूज़ नहीं करते, जस्ट उसमें वेरिएबल्स होते हैं, काफ़ी कांस्टेंट होते हैं और ऑपरेशंस होते हैं। सो नोट है एक हमारे पास, एवरी साइंड पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेट टू बी अ टर्म। अच्छा, एक और बात हम कह रहे हैं यहाँ पर कि सिंपल एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो सिंपल एक्सप्रेशन हमारे पास, जैसे कि 5 + 6 इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाएगा तो बस ये भी एक एक्सप्रेशन हो गई, आप माइनस लगा दें 8। सो अब यहाँ पर ये तो हो गई सिंपल एक्सप्रेशन, लेकिन हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 5x 6y 8z, तो ये हो गई हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो ठीक है जी, ये मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, नोट, एवरी साइंड पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एवरी साइंड पार्ट। जैसे कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई भी पार्ट, वो क्या कहलाता है, एक अलग टर्म। जैसे कि 6y, तो ये हो गया हमारा एक टर्म और ये हो गई हमारे पास एक टर्म, ठीक है जी। तो कोई भी एक अलग हमारे पास जो है प्लस मतलब एक भी सेपरेट पार्ट, तो उसको हम कहते हैं टर्म। ये बता दिया मैंने आपको नोट में। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, कांस्टेंट में हम बात करते हैं, अ क्वांटिटी हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। यानी कि कोई भी, जैसे कि मैथ का हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे कि 5, 6, 7, 8, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इस्तेमाल किया गया हो तो हम उसे कहते हैं कांस्टेंट। अलजेब्रा में हम कोई भी जो है किसी नंबर को हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे कि मैंने आप एग्जांपल दी है 2x + 9y - 1। सो इसमें हमारे पास +2 और 9 and -1 आर कांस्टेंट इन अबव एक्सप्रेशन। तो यानी कि ये कांस्टेंट हैं। जैसे कि कोई भी, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे वेरिएबल हटाकर, कोई भी सिंगल नंबर हमारे पास कांस्टेंट कहलाता है अलजेब्रा में। सो अब आ जाते हैं कोफिशिएंट में। सो अ कोफिशिएंट इज़ अ कांस्टेंट विच मल्टीप्लायर ऑफ द वेरिएबल्स इन टर्म। यानी कि कोफिशिएंट में हम जो है कांस्टेंट, अगर कोफिशिएंट वो कहलाता है कोई भी कांस्टेंट जो है हमारा वो वेरिएबल से अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो। जैसे कि एग्जांपल से हम देखते हैं 2xy, 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस xy वेरिएबल से, तो ये हो गया हमारे पास कोफिशिएंट। 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है वाई वेरिएबल से, तो ये हो गया कोफिशिएंट। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। ऐसा कोई कांस्टेंट या फिर वेरिएबल जो अपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कहलाता है कोफिशिएंट। एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ रहे हैं वेरिएबल और लिटरल्स। अ लेटर इज़ यूज्ड इन अलजेब्रा इज कॉल्ड वेरिएबल और लिटरल। वेरिएबल और लिटरल एक ही चीज़ है, आप इसमें घबराइएगा मत। और कोई भी इंग्लिश का लेटर वो अलजेब्रा में इस्तेमाल किया गया हो तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल और लिटरल। जैसे कि x, y, x, y, z, a, b, c, एनी लेटर इज कॉल्ड
इन अलजब्रा वेरिएबल और लिटरल्स। सो ये थी आज की हमारी वीडियो, इसमें हमने पढ़ा अलजब्रिक एक्सप्रेशंस और कांस्टेंट वेरिएबल और कोफिशिएंट और लिटरल्स के बारे में पढ़ा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट में लाजमी पूछिएगा।